स्वर्ण जयंती विज्ञान व्याख्यान श्रृंखला में धर्मपेट एजुकेशन सोसाइटी के धर्मपेट एमपी देव मेमोरियल साइंस कॉलेज नागपुर में आत्मनिर्भर भारत में फ्यूजन एनर्जी की भूमिका इस विषय पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता सीनियर प्रोफेसर शिरीर देशपांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। श्री देशपांडे जो ITER प्रोजेक्ट पे इंडिया का नेतृत्व किया है और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जी, मैं शिशिर देशपांडे इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में सीनियर प्रोफेसर हूँ और 2007 से 2019 तक मैंने ITER इंडिया का प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है और यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम में धर्मपेट साइंस कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी में गोल्डन जुबली के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया गया था। एक यहाँ पर हमारे रूट्स हैं, यहाँ पर हमारे टीचर्स हैं और इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है स्टूडेंट से बात करने का और एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने का। तो फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या मर्जिंग ऑफ न्यूक्लियर एक नई टेक्नोलॉजी है, नई ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन वो प्लाज्मा को कंट्रोल करना एक कठिन काम है और उसके लिए रिसर्च करना ज़रूरी है। इसलिए इंडिया में और बाहर एक टोकोमैक यंत्र के थ्रू प्लाज्मा का रिसर्च चल रहा है और क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है जो बड़े पैमाने पे ही देखी जा सकती है अभी, इसलिए ITER नाम का जो टोकोमैक है वो सब 31 देश मिल के 7 पार्टीज यूरोप, जापान, कोरिया, चाइना, इंडिया, US ये सब मिल के बना रहे हैं और उसमें मैंने आज इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में बताया और इंडिया का कंट्रीब्यूशन कैसे कंप्लीट हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री को क्या मौका मिल रहा है, हमने क्या सीखा है और हमारे यहाँ पर अब क्या एक्सपर्टाइज बन रहा है ताकि हम फ्यूचर में इस तरह के रिएक्टर्स बना पाएं। सर, इस प्रोग्राम में काफ़ी स्टूडेंट भी थे, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, कुछ किस तरीके से? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, मौजूद थे और उन्होंने सुना पूरा लेक्चर, खास करके उन्होंने एंड में
सारे वीडियोस वगैरह देखें और उनको ऐसा लगेगा शायद कि हाँ भारत ने कुछ किया है और इसमें और आगे जाने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी, नई इंजीनियरिंग, नए साइंस के लिए उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इस गोल्डन जुबली के थ्रू स्टूडेंट्स का साइंस में पार्टिसिपेशन और ख़ास करके मेगा प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन, इंडिया के कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कोलैबोरेशन में, उसमें बढ़ेगा। थैंक यू सर। एज रिलीजिंग अवर गोल्डन जुबली सोवेनियर यात्रा, थैंक यू सर। आई विश टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू अवर प्रेसिडेंट धर्मपेट एजुकेशन सोसाइटी नागपुर, ऑनरेबल एडवोकेट उल्लास औरंगाबादकर सर, for his constant support in all activities taken up by the college and for sparing his valuable time and presiding over the program. Thank you, sir. I must mention my deep sense of appreciation to our Vice President, Dharampet Education Society, Nagpur, Honorable Shri Ratnakar Kekatpure, sir, for gracing the occasion and accepting our invitation. Thank you, sir. I also wish to place on record my special thanks to the Secretary, Dharampet Education Society, Nagpur, Honorable Shri Mangesh Phatak sir, for being present here today. Thank you, sir. I would like to seize this opportunity to place on the record my heartfelt thanks to our respected principal, Dr. Akhilesh Peswe sir, for being our backbone and helping us in every way possible in beginning out our Golden Jubilee Souvenir Yatra and organizing this lecture. Thank you, sir. Without your valuable guidance, we could not have managed to achieve this mammoth task. Hello? My special thanks to the entire souvenir team, especially Mrs. Sujata Ali of English Department, Ruma Kapre Madam of Computer Science Department for working side by side with me in this entire process of the compilation of this souvenir, in editing, setting, collection of messages, etc. And Miss Vishaka Kaskedikar for checking and editing the entire Marathi messages, as well as all the members of Souvenir Committee who were involved in bringing this task into the fruition. Thank you all. I also wish to thank Vice Principal Junior College, Mrs. Vishaka Vinaya Kaskedikar Madam, and Supervisor Junior College, Mrs. Subha Jhalke Ma'am, for their constant support in organizing this event. We have been fortunate to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of this great institution. ऐसी ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।